स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। मध्य प्रदेश में रेत कारोबारियों के बीच प्रदेश में लगातार अवैध उत्खनन और परिवहन तो जारी है, साथ ही इनकी गुंडागर्दी भी अब सामने आ रही है। ऐसी ही एक और घटना अब सीहोर के लाटकुई में सामने आई है, जहां पर शनिवार रात को पुलिस चौकी के सामने फायरिंग की गई और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। शासन के नियमों की तोड़ रही है धज्जियां, सियासी आकाओं के संरक्षण में बेकाबू है अवैध रेत माफिया। रात के 1 बजे रेत कारोबारी के लोग 7-8 गाड़ियों से भरकर यहां पहुंचे, जहां वीडियो बनाने को लेकर रेत माफियाओं में आपस में झगड़ा हुआ, जिसके बाद फायरिंग की गई। घटना में विवाद इतना बढ़ा, ग्रामीणों ने आगे बढ़कर पुलिस कर्मियों को बचाया। सारी लाड़कुई चौकी में कस्बे में इकट्ठा हुए थे तथा इनके द्वारा कुछ जो अवैध रूप से रेत परिवहन करते हैं उनके बीच में कुछ तूतूमे और झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी, और ऐसा भी पता चला है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा 3 हवाई फायर किए गए हैं, जिसपे से तत्काल हमारे द्वारा चौकी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा इसकी जांच की जा रही है। सीहोर में कोरोना काल में लॉकडाउन लगा हुआ है, धारा 144 पूरे जिले में लगी है, इसके बावजूद भी हर रात यहां बड़ी संख्या में रेत के डंपर भरकर लाए जा रहे हैं। अभी एनजीटी ने रेत उत्खनन पर रोक लगा दी है, फिर भी नर्मदा तटीय गांव में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। डेस्क रिपोर्ट, डीएनए। तो ताजा मामला सीहोर के नसरुल्लागंज से सामने आया। यहां पर बेखौफ रेत माफियाओं ने फायरिंग की है पुलिस के सामने ही, पुलिस भी मूकदर्शक बनी देखती रही, लेकिन ये खेल आखिर कब तक चलता रहेगा, इस पर लगाम क्यों नहीं लग पाती, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, ये बड़ा सवाल है। और इन तमाम सवालों के जवाब हम जिम्मेदारों से लेंगे और पूछेंगे कि आखिर बेखौफ रेत माफिया जो हैं उन पर लगाम आखिर कब तक लग पाएगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शनिवार देर रात की तस्वीरें हैं, जहां पर बेखौफ रेत माफियाओं ने फायरिंग की। वीडियो बनाया जा रहा था, इसी दौरान रेत माफियाओं ने यह हवाई फायरिंग की है और पुलिस उस वक्त वहां पर मौजूद थी, लेकिन मुख दर्शक बने देखती रही। हालांकि जो थाना प्रभारी वो ये कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये मामले जब निकलकर सामने आते हैं तो सवाल पैदा होते हैं कि आखिर अवैध रेत का जो कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, बेखौफ होकर रेत माफिया फायरिंग करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, तो फिर इन पर लगाम आखिर लगेगी तो कैसे लगेगी, प्रशासनिक अधिकारी इन पर कार्रवाई करने से बचते नजर क्यों आते हैं, बेखौफ होकर ये धड़ल्ले से अवैध खनन रेत का क्यों कर रहे हैं, और जो जिम्मेदार हैं उन पर आखिर कार्रवाई कब होगी। तो ताजा मामला सीहोर के नसरुल्लागंज लाड़कुई चौकी से सामने आया, जहां पर रेत माफियाओं ने हवाई फायरिंग की और पुलिस का इन्हें बिल्कुल खौफ नहीं है। यही वजह है कि बेखौफ होकर ये धड़ल्ले से अवैध खनन की वारदातों को अंजाम देते आ रहे हैं। हालांकि जो थाना प्रभारी हैं यहाँ के, उनका यही कहना है कि माफियाओं पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आखिर कब। तो चलिए जवाब तलाशते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और टीके जैन साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों का हम स्वागत करते हैं बहुत बहुत डीएनएन पर।
जैन साहब, अब यह मामला आया है सीहोर के नसरुल्लागंज इलाके से और यहां पर रेत माफियाओं ने हवाई फायरिंग की है। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी लेकिन पुलिस मुखदर्शक बनी देखती रही। और वही सवाल जो हम लगातार हमारे इस खास कार्यक्रम में उठाते हैं कि अवैध रेत माफियाओं पर लगाम कब, बेखौफ रेत माफियाओं पर लगाम कब। जैन साहब सुनता है जी। जैन साहब वही सवाल, अवैध बेखौफ रेत माफियाओं पर लगाम कब तक? देखिए, जो भी कार्रवाई हो सकती है वो नियम कानून के तहत ही हो सकती है, नियम और संविधान के अनुसार ही हो सकती है। अब कानून के अंतर्गत जो भी एक्शन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, लोकल प्रशासन ने लिया है या पुलिस डिपार्टमेंट ने लिया है, अगर किसी भी रेत खनन माफिया ने कानून अपने हाथ में लिया है या सुरक्षा कर्मचारियों पर, पुलिस कर्मचारियों पर उसने हमला किया है, आघात किया है, तो उस हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि संविधान के अंतर्गत तो नियम के अनुसार ही कार्रवाई का प्रावधान है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। अगर उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर माफिया ने अटैक किया है, लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को आघात पहुंचाया है, तो पुलिस ऑफिसर्स को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। ऊपर से सरकार के द्वारा तो इंस्ट्रक्शंस हैं कि माफियाओं को रोका जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बाकी डिपेंड करता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि वो किस दक्षता के साथ या किस क्षमता के साथ वो कार्रवाई करते हैं और इस अवैधकरण के इलीगल कार्रवाई को, इस कारोबार को रोके। ये सब जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। सुरेश जी क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश जो है अवैध उत्खनन में नंबर वन कई सालों से चला आ रहा है पूरे भारतवर्ष। कमलनाथ जी की सरकार आई, उसने इसको एक ही साल में तीसरे नंबर पे ला दिया। हमने जो 250 करोड़ रुपए खनन का जुर्माना होता था, एक ही साल में वो 1250 रुपए हो गया, 1250 करोड़ रुपए हो गया, यानी 5 गुना बढ़ा। लेकिन चूंकि जब मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का परिवार जो है, शिवा कारपोरेशन जो है, जब रेत उत्खनन में लगी है और वो वहाँ लाड़कुई जो है मुख्यमंत्री की खुद की विधानसभा है, तो वहाँ अगर इस तरीके से फायरिंग हो रही है, प्रशासन मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में नहीं रोक पा रहा है, और तो फिर ये समझ लीजिए कि जो मध्य प्रदेश है वो पूरी तरीके से माफियाओं के जो है चुंगल में फंस चुका है। इसलिए तो हमने शुद्ध पर युद्ध चलाया और शुद्ध पर युद्ध चलाकर है ना माफियाओं को नेस्तनाबूत किया। और ये माफिया इतना मजबूत हो गया था 15 सालों में शिवराज सिंह जी की सरकार में कि ये प्रशासन से भी आसानी से कंट्रोल नहीं होता। ये हमने भी कहा था, ये गोविंद सिंह जी ने भी कहा, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने, तो ये यही नहीं कि चंबल में भी इसी तरीके का रेत उत्खनन चल रहा है और ना जो सरकार है वो नाकाम है पूरी तरीके से इस मामले में। मतलब ये तो दुख का विषय है। और इससे पहले ये तीसरी चौथी घटना है, तहसीलदार के साथ मारपीट हो चुकी नसरुल्लागंज में, एसडीएम के साथ हो चुकी है, उसके बाद ये आज हालात ये है मध्य प्रदेश में कि खुलेआम फायरिंग हो रही है पुलिस के ऊपर, वो भी विधानसभा मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र में। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को आगे आके इसका जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए जनता को कि हकीकत क्या है, क्यों उनके चुनाव क्षेत्र में ये इस तरीके से, क्या जन हमारे जो पूर्वजों की हजारों वर्षों की जो जनता की संपदा है, जो खनिज है, वो क्या लोग ऐसे माफिया ऐसे ही लूट के ले जाएंगे और लोग जो है कोरोना के लिए इलाज कराने के लिए फ्री में कोरोना का इलाज ना हो, लोग जाके पैसे दे के कोरोना का इलाज कराना पड़े, कोरोना का टेस्ट कराना पड़े, तो ये कैसी सरकार है? इस सरकार को जवाब देना चाहिए। और मैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी कहता हूँ कि अब आप उतरिए सड़कों पर, देखिए कि क्या क्या स्थिति है। तो हम तो उनको भी कहते हैं कि आप भी जरा आए और सड़कों पर उतरे। जैन साहब, लेकिन आपने जिक्र किया कि कार्रवाई जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा यह सवाल है जैन साहब कि इस तरह के मामले लगातार निकलकर सामने आते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की नीली भगत भी निकलकर सामने आती है, तो कार्रवाई जो होती है वो केवल महज दिखावटी होती है। ऐसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में इस तरह से अवैध खनन कोई ना कर पाए, एक सीख मिले, एक सबक मिले। कई बार देखने में आता है कि पेट्रोलिंग मशीनें जब्त कर ली जाती हैं, डंपर जब्त कर लिए जाते हैं, ट्रैक्टर जब्त कर लिए जाते हैं, लेकिन बेखौफ माफिया जो है वो
वहां पर हमला करके उन्हें छुड़ा कर ले जाते हैं, इस तरह के केसेस कई बार निकल कर सामने आए। तो कार्रवाई के नाम पर दिखावा बंद होना चाहिए और एक कठोर कार्रवाई का इसमें प्रावधान होना चाहिए ताकि इससे सीख मिले। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और आपने जैसा कहा उसी प्रकार से कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समाज के कुछ प्रभावशाली लोग इस खनन माफिया की जो गिरोह है इसमें शामिल है। कांग्रेस के प्रशासन में ये भी खनन माफिया जो है काफी उत्साहित रहे, इनको काफी सपोर्ट किया गया है कांग्रेस सरकार के द्वारा, यही कारण है कि ये और ज्यादा प्रभावी हो गए और ज्यादा इन्होंने उत्खनन किया अवैध रूप से। तो ये कांग्रेस के विभिन्न नेता भी कई मंचों से इस प्रकार अपनी सरकार के खिलाफ उस समय आवाज उठाते थे, लेकिन उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो भी शायद उनका भी मुख्य समर्थन था खनन माफियाओं को, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की जो है वो क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो खनन माफिया है ये समाज के और देश के पर्यावरण के दुश्मन है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अब यही कह सकते हैं एक साधारण जो है वो आज भारत का नागरिक जो है इस अवैध खनन के से और माफियाओं से बहुत दुखी है और प्रशासन को चाहिए कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे इनके खिलाफ। जी फिरोज जी, वही सवाल मेरा होगा कि जो कार्रवाई होती है वो दिखावटी बनकर रह जाती है कि मशीनें जब्त हो जाती हैं तो क्लेम मशीनें जब्त कर ली जाती हैं, बंपर जब्त कर लिए जाते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त कर ली जाती हैं और कई बार तो उन्हें छुड़ाने के लिए भी बेखौफ माफिया वहां पर पहुंच जाते हैं, मारपीट करते हैं। तो कठोर कार्रवाई ऐसे जो आरोप लगते हैं अवैध खनन माफियाओं पर, क्या जब तक इन पर कठोर कार्रवाई होगी तब तक ये मानेंगे? देखिए कांग्रेस में बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे और ये विवेक तनखा जैसे वकील हैं जो जरा जरा सी बात पर जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रात के 2 बजे खुलवा लेते हैं। इवन आतंकवादियों को बचाने के लिए सजाए मौत से तो ये रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। अगर ये इतने हमदर्द है और इतना इनको दुख है अवैध खनन का तो इनको चाहिए कि ये अपने वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाए। अगर इनको लोकल प्रशासन पर विश्वास नहीं है और सरकार पर भरोसा नहीं है तो इनको जब ये जरा जरा सी बात के लिए छोटी छोटी सी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है समाज के विरोध में। इनको जाना चाहिए, इनको आवाज उठाना चाहिए। ये क्यों घरों के अंदर बैठकर जो है वो बंद गुलियां फोड़ते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, आरोप झूठे आरोप लगाने के अलावा कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। इन्होंने अपनी सरकार के समय में क्यों नहीं माफियाओं पर बैन लगाया या उनको कंट्रोल किया? और आज जब भारतीय जनता पार्टी जो है स्पष्ट जो है इस प्रकार का उल्लेख करती है और आदेश देती है उसके बावजूद भी अब बहुत सारे खनन माफिया जो है कांग्रेस समर्थित भी है जो उसी समय से सक्रिय है और उनकी यहाँ तक की सदस्यता भी लिए हुए हैं तो इस प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो है पूरा पूरा समर्थन है प्रशासन और पुलिस के साथ और खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारी भी हार्दिक इच्छा है। और इस प्रकार आपके चैनल ने जो इस मुहिम को छेड़ा है उसके लिए भी हम साधुवाद देते हैं, आपको समर्थन देते हैं। जी फिरोज जी क्या कहेंगे? देखिए जी, हम नारी जब सरकार थी तो हमारे कई विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जी, खुद कमलनाथ जी, हम लोगों ने भी गोविंद सिंह जी ने खुद अपनी सरकार के खिलाफ खनन माफियाओं के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने सही बात कही थी, उन्होंने यही कहा था कि ये खनन माफिया इतना है कि हम इस पर पूरी तरीके से लगाम नहीं लगा पा रहे। उन्होंने कहा था पूरी तरीके से लगाम नहीं लगा पा रहा है कि हौसले इतने बुलंद हो गए हैं और ये 15 साल में इतना मजबूत हो गया है, इसने इतना गहरा नेक्सस बना लिया है कि इसको तोड़ पाना हमें बहुत समय लगेगा। खुद ही ये तो डाटा बता रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए, आंकड़े बताते हैं कि 250 करोड़ रुपए शिवराज सिंह जी की सरकार वसूला करती थी अवैध उत्खनन में और कहां 1250 करोड़ रुपए वसूल दिए एक ही साल में कमलनाथ जी की सरकार ने। तो ये तो आंकड़े के चक्कर में मत उलझाइए, आप तो ये बताइए कि आप ये बताइए गलत है क्या? बड़े वकील है मैं इसलिए तो कह रहा हूँ शिवराज जी को बोलिए इस्तीफा दे दें वो और इस्तीफा दे दे। जब आपने मंदिर के खिलाफ जब वो जा सकते हैं कोर्ट में, वो आप रामचंद्र जी की अस्तित्व को चुनौती दे सकते हैं वो, तो फिर वो क्या खनन माफिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? मैं बोलूं अब
जनता पार्टी की सिर्फ दिक्कत है कि ये जब भी फंस जाती है कहीं, ये भ्रष्टाचार में फंस जाए, ये अवैध उत्खनन में फंस जाए, ये इनके लोग जब है ना वारदातों में फंस जाते हैं। राम मंदिर बना तो मैं वो आत्महत्या नहीं करें, वो ये आपको आप जो है ये है ना भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि राम इनकी आस्था का प्रतीक नहीं है, ये राम भगवान राम को जो है ये इस्तेमाल करते हैं, ये उनका मार्केटिंग कर रहे हैं। राम मंदिर आत्महत्या न करें और वो जाए तो खनन माफियाओं के खिलाफ अभिषेक मनु भी उठाए। ठीक है, चलो मतलब जवाब सुनते हैं। बोलिए फिरोज। हम अवैध उत्खनन पे बात कर रहे हैं। जी जी जी, मैं ये तो कह रहा हूँ, मैं भी अवैध उत्खनन, ये क्या है, हिंदू धर्म को जो है हिंदू धर्म का उपयोग करके ये अपनी डकैती जो डालते हैं उसमें भी ये धर्म का उपयोग करते हैं, जवाब नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ ना, अगर सुप्रीम कोर्ट को ही ये सब काम करना है मुख्यमंत्री काय के लिए, मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश दिया है, बात मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो रहा, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में वो विधायक है, यही बताया जाएगा, और पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में, तो पूरे प्रदेश में क्या करेंगे वो उनकी ऊपर जनता फायरिंग हो रही है, प्राथमिक कार्रवाई कर रही है, इसीलिए तो फायरिंग हो रही है। उनका खुद का परिवार शामिल है इसमें, उनका खुद का परिवार शामिल है अवैध उत्खनन में, बोलिए उसने कार्रवाई बता देता हूँ, चुनाव समझिए ना, पुलिस कार्रवाई कर रही है ना, अभी तो फायरिंग जैसी घटना हुई है। ठीक है, तो ये जब पुलिस जो है वो चांटा मार रहा है, कई पुलिस को अभी श्योपुर की घटना हुई, पुलिस को चांटा मार दिया, ये जो है और इनकी इनकी सरकार में जो मंत्री विधायक भगे हैं, ये भी आरोप है कि ये जो विधायक भगे हैं इन विधायकों में भी आप कईयों की पता लगाइए जो कांग्रेस के थे, और इनकी अवैध उत्खननों पे कमलनाथ जी ने जब रोक लगाई इसलिए इनकी है ना भागे भी है वहाँ से। मैं एक करेरा का बता देता हूँ, हम मुरैना जिले के दो तीन है, ये लोग भी इसलिए भागे हैं, छोड़ गए कमलनाथ, आपका साथ छोड़ दिया तो आप उनके ऊपर ऐसा झूठा दिखाऊ है, यही आरोप लगा करके आपने पैसा इकट्ठा किया है और सरकारें गिरा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल अनुचित बात है, जो आपकी पार्टी इसकी विचारधारा से सहमत ना हो पार्टी छोड़ दे, आप उसके ऊपर आरोप लगाए, जब तक वो आपके साथ था तो दूध का धड़ा हुआ था। मैं तो कह रहा हूँ कि आप पता करिए कि इनमें कौन कौन लोग हैं जो अवैध उत्खनन के रेत उत्खनन के मामले से जुड़े हुए हैं, आप अवैध है अवैध है ये आप पता कर लीजिए, लेकिन इसमें पता करिए कौन कौन लोग हैं, कतई उचित नहीं है कि आप शरण की बात है, जो शरण की बात है कि 15 साल जो सरकार रही हो तो मध्य प्रदेश अवैध उत्खनन में नंबर वन लगातार चला आ रहा हो, ये शर्म की बात है कि एक साल की कमलनाथ जी की सरकार ने खुद आपकी केंद्र की भाजपा सरकार का ये रिकॉर्ड बताता है कि हम एक साल में तीसरे नंबर पे आ गए थे भारत में, और हम लगातार नंबर वन पे चल रहे हैं और अभी फिर नंबर वन पे हो जाएंगे। माँ नर्मदा जैसी की छाती इन लोगों ने जब छीनी कर दी, तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन से धर्म की बात करते हैं, ये जो हमारी नर्मदा है वो भारत मध्य प्रदेश के लोगों की लाइफलाइन है, ठीक है, हम लोगों की वो देवी मानी जाती है, ये उनकी चलनी की ये दे रहा है, ये स्थिति है। जब रोक लग गई है और अभी बारिश के दिनों में तो कहीं भी उत्खनन की परमिशन नहीं होती, रेत की बिल्कुल भी रेत की उत्खनन की परमिशन नहीं होती, वो तब भी रेत खोदी जा रही है, और इन ये ढोंग करते हैं कि नर्मदा को हमने जीवित मान लिया है, ये माँ नर्मदा है, नर्मदा यात्रा निकालते हैं, कब करते हैं ये, और बारिश में कैसे ये पोखरण मशीनें अंदर घुसी हुई है लगातार आ रहे हैं, हम व्हाट्सएप पे लोग जा रहे हैं, उधर हमारे यहाँ बरेली के पास जो है वहाँ भी अवैध उत्खनन हो रहा है, डाडरवाड़ा में अवैध उत्खनन हो रहा है, सभी जगह हो रहा है, तो सरकार कर क्या रही है भाई, आप रोकते हुए भी तो नजर नहीं आ रहे हैं ना हमको, आप रोकते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं हमको, और माफिया इतने हैं कि आप रोको तो उन्होंने गोली और चलाते हो पुलिस पे, तो ये क्या है भाई, आपने उन्होंने गोली चलाई है घूमने उनको गोलियों से, जो गोली चलाए पुलिस के ऊपर गोली चलाता है, तो चलिए ठीक है। जैन साहब, आखिरी सवाल है कि आपने कहा कि हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि इस तरह की वारदातें ना हो, अवैध खनन की जो वारदातें निकलकर सामने आती हैं उस पर रोक लगे, लेकिन क्या एक इसकी वजह कमजोर प्रशासनिक तंत्र माना जाए वहां पर, या ये समझा जाए कि जानबूझकर कार्रवाई नहीं करते हैं अवैध खनन माफियाओं पर?
नहीं, कमजोर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं इसको मानना चाहिए। देखिए जब पुलिस ने कार्रवाई की थी तभी प्रतिक्रिया में पुलिस के ऊपर गोली चलाई हुई, यानी जब कार्रवाई हुई है उसके अगेंस्ट में तो क्रिया के अगेंस्ट में प्रतिक्रिया हुई है। पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस के ऊपर गोली चली, अब पुलिस जो है वो प्रभावी कदम उठाए, उन लोगों के खिलाफ धाराएं दर्ज है, FIR पंजीकृत की जाएगी और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। आप थोड़ा उसके लिए वेट कीजिए, पुलिस के ऊपर ही फायदे ऐसी कैसी डरपोक पुलिस है जो है ना, उसके ऊपर किसी ने फायरिंग कर दी और चुपचाप घर में घुस गई वो पुलिस, अरे वो पलट के फायरिंग करनी थी और उतार देना था मौत के घाट उनको, तो छोड़ दी आपने उनको, थोड़ी है जो चुपचाप घर में घुस गए, कांग्रेस ही नहीं है वो, पुलिस वाले हैं मध्य प्रदेश, ऐसे 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 पुलिस के हाथ बांध रखे हैं आपने की पुलिस के ऊपर फायरिंग, अरे उन्होंने की थी तो आप डबल राउंड फायरिंग करते उनके ऊपर, छोड़ क्यों दिया उन्होंने। ठीक है, चलिए यही प्रश्न है, ये तो देखिए अभी जब कार्रवाई होगी तभी आपके समक्ष जो है वो चित्र आएगा, हमको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, एक दो दिन इंतजार कीजिए, देखिए क्या पुलिस क्या प्रत्युत्तर में कार्रवाई करती है। चलिए ठीक है, हमारे पास समय खत्म हुआ, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े चर्चा में अपने विचार रखे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये मामला निकल कर सामने आया है नसरुल्लागंज से, और यहाँ पर बेखौफ रेत माफिया जो है उन्होंने हवाई फायरिंग की, पुलिस मंतरशक उस समय बनी रही। ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो अवैध माफिया है इन पर कार्रवाई करने से प्रशासनिक तंत्र जो है पीछे क्यों हट जाता है, वजह क्या है इसके पीछे की, और अवैध माफियाओं पर आखिर लगाम कब तक लगेगी। चले हमारी खास पेशकश में इतना ही, DNN पर खबरें लगातार जारी हैं, नमस्कार।